बस एक भी सबूत नहीं है। 100 कहते हैं 100 करोड़ रुपए की चोरी हुई, इन्होंने 500 जगह रेड मारी, एक भी नया पैसा नहीं मिला। वो 100 करोड़ रुपए हवा में गायब थोड़ी हो गया। अभी एक टीवी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी से पूछा गया, आपने भी देखा होगा, कि प्रधानमंत्री जी केजरीवाल कह रहे हैं आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपकी कोई रिकवरी नहीं हुई, तो आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारी कोई रिकवरी नहीं हुई है, वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक अनुभवी चोर है। पूरे देश के सामने जब प्रधानमंत्री ने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब पूरा केस फर्जी है। तो इन्होंने मेरे को क्यों गिरफ्तार किया है? इन्होंने मेरे को इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि केजरीवाल जो काम करता है, कर रहा है, वो काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने दिल्ली में और पंजाब में लोगों की बिजली फ्री कर दी, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने लोगों के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। मैंने लोगों के लिए इलाज के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, अस्पताल बनवा दिए, मोदी जी नहीं कर सकते। जितने काम मैंने किए मोदी जी वो काम नहीं कर सकते। इसलिए केजरीवाल को जेल में डाल दो, केजरीवाल के काम खत्म हो जाएंगे। आज इनकी तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी की है। ये मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं, ये मुझे तोड़ना चाहते हैं, ये मुझे झुकाना चाहते हैं। इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं तोड़ सकती। अपने देश के लिए, जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए देश को आजाद कराने के लिए, मैं भगत सिंह का चेला हूं। अगर देश को बचाने के लिए आज मुझे 100 बार जेल जाना पड़ेगा, मैं 100 बार जेल जाऊंगा। मेरा वेट काफी लूज हो गया है। 1 महीने जब मैं जेल में था मेरा 7 किलो वजन कम हो गया, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो होता है, हैं? हाँ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस वो बहुत खतरनाक होता है। शरीर के अंदर कोई सीरियस बीमारी हो सकता है, पल रही हो, और अभी ना कराया जाए तो स्टेज 2 स्टेज 3 भी हो सकती है। तो डॉक्टर, और मेरे यूरिन में काफी कीटोन्स की मात्रा काफी ज्यादा आई है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका चेकअप होना चाहिए। अब देखते हैं। अभी 2 दिन पहले लुधियाना आए अमित शाह जी, और यहाँ पे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को धमकी देके गए हैं कि पंजाबियों, जो सरकार तुमने पंजाब में चुनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार, 4 जून के बाद मैं ये सरकार बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारे मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। इतनी गुंडागर्दी देखी है कभी? इस गुंडागर्दी के खिलाफ ही तो मेरे को जेल जाना पड़ रहा है, इसी गुंडागर्दी के खिलाफ ही तो मैं आवाज उठा रहा हूं। आज तक भारत के इतिहास में इस तरह से खुलेआम धमकी किसी गृह मंत्री ने नहीं दी। कैसे हटा देंगे? 117 में से 92 MLA हैं हमारे, उनको तोड़ेंगे, खरीदेंगे, उनको धमकी देंगे, क्या करेंगे? तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाबियों से प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे देते, अब जब धमकी दी है तो ये 3 करोड़ पंजाबी 1 तारीख को आपको इस धमकी का जवाब अच्छे से देंगे। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? 300 से भी सरकार चल जाती है, तो 400 सीट इसलिए चाहिए। इनसे पूछा, भाई 400 सीट क्यों चाहिए? बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? तो पता चला रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने मन बना लिया अपना, SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। मुझे, मैं जो घूमा हूं देश भर में, जनता इस टाइम महंगाई और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, तो अपने प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं लोग कि ये समाधान देंगे। लेकिन जब टीवी ऑन करते हैं लोग,
तो देखते हैं प्रधानमंत्री जी गालियां दे रहे हैं। एक भाषण में प्रधानमंत्री बोले, अगर तुमने इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो अगर तुम्हारी दो भैंस है तो एक भैंस खोल के ले जाएंगे। ये क्या है? एक और भाषण में बोले, अगर तुमने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे। ये क्या हो गया प्रधानमंत्री को? एक और भाषण में बोले, अगर इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी खोल के ले जाएंगे। बॉम्बे जाके बोले, शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोगों को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। लोग कह रहे हैं यार इसलिए वोट दें इनको, इन गालियों के बदले में वोट दें इनको। अगर वो कुछ कहते, भाई मैं तुम्हारा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, डीजल सस्ता कर दूंगा, चिंता ना करो, मैं उन्हें हमारी समस्याओं का कुछ पता ही नहीं है। वो तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, पता नहीं क्या, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और आजकल तो अहंकार इतना हो गया, पिछले 10-12 इंटरव्यू जो उन्होंने दिए हैं उसमें अब उन्होंने कहना चालू कर दिया कि मैं भगवान का अवतार हूं, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं अपनी वो बोले, मैं अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, किस किस को लगता है कि मोदी जी भगवान है? हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान जगन्नाथ को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वाहेगुरु जी को मानते हैं। मोदी जी को तो भगवान नहीं मानते हम। और मैं आरएसएस से कहना चाहता हूं कि आपको अपना स्पष्ट करना पड़ेगा स्टैंड, क्या आरएसएस मोदी जी को भगवान मानती है, भगवान का अवतार मानती है? तो लोग इतना नाराज हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया। इस बार जनता अपना गुस्सा निकालेगी, इनको 200 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को, 300 के पार।